पूरा खाई ही खाई है। यहाँ से अगर गिर गया ना कोई तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ना, ये पानी आगे से पहाड़ से उतर के आ रहे हैं। कमेंट में बताइएगा कि इस फल को क्या बोलते हैं। इस रास्ते में ये सबसे बड़ा डर और सबसे ज्यादा डरावना। तो हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे हैं, तो अच्छे ही रहेंगे। तो आप लोगों को हमारे एक नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो हम लोग सोचे कि आज हम लोग चाईबासा से गांव की ओर जा रहे हैं, तो क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाया जाए। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि हम लोग का जो गांव चाईबासा से गांव की ओर जाता है, जो रास्ता जाता है, तो आज हम लोग उसका पूरा आप लोगों को जर्नी दिखाएंगे, पूरा लोकेशन से लेकर सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाएंगे। तो हम लोग का इस वीडियो पर बने रहे और आप लोग अच्छे रहे और तंदुरुस्त रहे, यही हमारी कामना है, और ब्लॉग पर बने रहे। तो गाइस आप लोग देख पाते होंगे रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें ये बात है कि आप लोग थोड़ा भी अगर सावधानी अगर घटी तो दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए हम लोग आराम से ही जा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। आप लोग देख पाते होंगे रास्ता कैसी है, इतना सुंदर है, इतना खतरनाक भी है। गाइस यहाँ से आपको बहुत ही नज़ारा अच्छा देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ना जो एसीसी प्लांट होता है ना, जो छिक पानी में है एसीसी प्लांट, वहाँ दिखता है, यहाँ से दिखता है, लेकिन आप लोग को नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि जो बादल है ना, पूरा बादल से पूरा गिर गया है। आप लोग देख पाते होंगे मौसम कैसा है। अगर मौसम अगर अच्छा होता तो आप लोग को दिख भी सकता, लेकिन यहाँ से आप लोग कभी नहीं दिखेगा। हम लोग को खुद नहीं दिख रहा तो आप लोग को तो मुश्किल है दिखने का। तो आप लोग देख पाते होंगे कैसा है, पूरा खाई से पूरा है। यहाँ बहुत ही खतरनाक भी जगह है और बहुत ही अच्छा भी जगह है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आप लोगों को थोड़ा आगे और चल के दिखाएंगे। देखिए आप लोग को दिखाने वाले हैं एक खाई, देखिए पूरा खाई ही खाई है। यहाँ से अगर गिर गया ना कोई तो यहाँ मिलना मुश्किल है लाश, बहुत ही खतरनाक जगह है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे और बस वीडियो में बने रहे। तो चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं। ऊपर जगह दिखाएगी ना।
घंटा से राइडिंग करते करते हम लोग को बहुत जोर का भूख लगा है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि होटल में कुछ होटल में खा लिया जाए। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग अभी हम लोग वीडियो को और आगे दिखाएंगे, तो हम लोग कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे कुछ दिखाते हैं हम लोग। गाइस हम लोग अभी नाश्ता कंप्लीट कर लिए, तो अभी हम लोग आगे की ओर जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं ब्लॉग, बस ब्लॉग पे बने रहे। तो गाइस हम लोग आधा दूर पहुंच चुके हैं, देख पाते होंगे कि और कुड़ा जो गांव है उससे हम लोग का थोड़ा दूर है गांव, तो कुड़ा है 10 किलोमीटर, तो यहां से हम लोग को और 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा और वहां सिर्फ 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो आप लोग को इतना बीच में और कुछ दिखाएंगे हम लोग, बस वीडियो पे बने रहे। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ना ये पानी, ये पुलिया है, ये पूरा बहुत बड़ा पुलिया है, तो ये जो पानी आ रहा है ना पूरा जंगल से होते हुए आ रहा है, पूरा आगे से पहाड़ से उतर के आ रहा है। तो पानी इधर से आते हुए ऐसे करके हम लोग का इधर बह रहा है, इधर की ओर जा रहा है। तो गाइस हम लोग आते आते हम लोग देखे पेड़ में कुछ फल जैसा दिख रहा है, तो हम लोग सोचे कि हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन गाइस अगर आप लोगों को अगर पता रहे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इस फल को क्या बोलते हैं, हम लोग को तो पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता रहे तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि इसे क्या बोलते हैं, इसका फल का नाम क्या है, कि ये फल है कि कोई जहर भी है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा नहीं, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर इसे ही कुछ लगभग होगा। तो हम लोग और आगे की ओर दिखा रहे हैं आप लोगों को वीडियो, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितना हरा भरा है, यही हम लोग का गांव, हम लोग का प्रकृति जो होता है यही होता है हम लोग का, और कुछ नहीं। तो टाउन में जितना अच्छा नहीं, शहर में जितना अच्छा नहीं लगता है ना दोस्तों, उतना गाँव में हम लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि गाँव का जो शुद्ध हवा होता है, जो वातावरण होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। फाइनली गाइज हम लोग घर पहुंच चुके हैं, कल मौसम ख़राब होने के चलते हम लोग कल वीडियो शूट करने नहीं पाए, और
अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो उसमें क्या अच्छा है, कौन सा पार्ट आप लोग को अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर उसमें कुछ कमी है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आप लोगों को मतलब कमी लगा उसमें। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो पर, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हम लोग का वीडियोज़ ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय।